सुस्वागत। आए भी सभी दर्शनार्थियों का बाल शारदा उत्सव मंडल। रावण के राक्षस राज्य से सीता जी की मुक्तता करने हेतु प्रभु श्री राम जी ने वानर राज सुग्रीव से मिलकर लंका पर आक्रमण किया। रावण के सैन्य से कुंभ निकुंभ मारीच अति बलशाली कुंभकर्ण इनके जैसे सभी योद्धाओं का पराभव हुआ, उनकी मृत्यु हुई। इससे रावण अति क्रोधित, मेघनाथ कई मायावी शक्तियों का धनी था, युद्ध भूमि पर आते ही अपने महाशक्ति से वानर सेना में हलचल मचा दी। मेघनाथ के मायावी शक्ति से लक्ष्मण जी की शक्ति भी कम पड़ रही थी। प्रभु श्री राम जी उनके मदद के लिए दौड़ कर आए। राम लक्ष्मण और मेघनाथ इनमें घनघोर युद्ध हुआ। वानर सेना के सभी योद्धा पराभूत हुए, उनका भयंकर नाश होने लगा। उसे रोकने के लिए प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को भेजा। इस युद्ध में एक समय मेघनाथ ने अपने अति संहारक नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया और उससे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। सभी वानर सेना घबरा गई। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के इस नागपाश से मुक्तता केवल राज को आवाहन किया, गरुड़ राज को रणभूमि पर प्रकट होने की विनंती की। हे गरुड़ राज, इस महाभयंकर नागपाश से अब केवल और केवल आप ही प्रभु श्री लक्ष्मण जी की मुक्तता कर सकते हैं। मैं आपसे विनंती करता हूं कि आकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पुनर्मुक्त करें, मुक्त करें। पवन पुत्र की विनंती सुनकर गरुड़ राज रणभूमि पर प्रकट हुए। एक नव चैतन्य निर्मित हुआ।
झांकी को प्रस्तुत किया है बाल शारदा उत्सव मंडल कुंभारपुरा।